हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्जी। ये देसी मशरूम है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल मशरूम नहीं है। बाजार में जो डब्बे में मशरूम मिलते हैं वो वाले नहीं है। ये मशरूम जंगल से पाए जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। साल में कुछ ही दिन मशरूम पाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, हमेशा नहीं मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मशरूम के डंठल हैं और ये मशरूम का ऊपर वाला पार्ट है। हम लोग दोनों को मिलाकर बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यह मशरूम को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और तीन बड़े साइज के प्याज को भी स्लाइस में काट लिया है। मशरूम की सब्जी में प्याज थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ तीन प्याज लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है, कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। तेल गर्म हो गई है, तेल में डाल देंगे दो तीन तेज पत्ता और दो लाल मिर्च। थोड़ा सा डालेंगे बारीक गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने यहाँ दो लौंग, दो चार दालचीनी के टुकड़े और एक इलायची लिया है। थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। खड़े मसाले भून गए हैं, इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है फ्रेंड्स। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे तब तक हम प्याज को भूनेंगे। प्याज अच्छी तरह से भून गई है, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे मशरूम। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मशरूम है फ्रेंड्स, इसीलिए कढ़ाई पूरा भर गई। मेरे घर में मशरूम सबको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। फिर पकने के बाद अपने आप कम हो जाएगी। देखिए पहले से थोड़ा कम हो गई, थोड़ा देर और पकेगा तो अपने आप कम हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मशरूम से पानी छोड़ना शुरू हुआ, मशरूम अपने आप कम होने लगे। डालेंगे एक चम्मच हल्दी। मशरूम को ढक कर नहीं पकाएंगे फ्रेंड्स, देसी वाले मशरूम बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिना ढके ही अच्छी तरह से पक जाएंगे। थोड़ा देर पकाने के बाद जैसे ही मशरूम का पानी थोड़ा कम हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। डालेंगे दो चम्मच नमक। आधे लहसुन के साथ मशरूम को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले। मैं यहाँ डाल रही हूँ एक चम्मच गोल्की पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब मीडियम फ्लेम में मसाले के साथ मशरूम को भूनेंगे। जब तक मशरूम का पानी अच्छी तरह से सूख नहीं जाएगा तब तक हम मशरूम को भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी अच्छी तरह से सूख गई है, मसाले भी भून गए हैं, मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, मैं आप सबको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। ये देसी मशरूम है, इसलिए मैंने इस सब्जी को देसी तरीके से बनाया है। ये सब्जी खाने में फ्रेंड्स बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप सब मुझे कमेंट करके बताएं आप सबको मशरूम पसंद है या नहीं। यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स एक और रेसिपी के साथ।